और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, व्यू भी डाउन चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर बैठने से तो ऐसा कुछ होगा नहीं, हमारी वाइफ भी जो है आ नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। मम्मी पापा गुड मॉर्निंग, मम्मी पापा से आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि पापा थोड़ा निकलने वाले हैं अलग। हाँ, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। ये पता है जब से हम ब्लॉग बनाए हैं ना, तो मम्मी पापा को हम सवेरे हम कहीं भी जाते थे तो पैर छूते थे, ये नहीं छूती थी, ये हमको देख देख के सीखी है। सानी बोले जी हमारे आशीर्वाद भैया अच्छा से देखे तो हम पास हो जाएंगे। हाँ, कल गुस्सा में बोल दिए थे कि फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। अच्छा ठीक है, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। सुबेरे सुबेरे वाला जो हमारा तिलवा था ना, ये खा गई है चुरा करके, उसमें दो तिलवा बचा हुआ था ना, बचा हुआ। पापा आज बोले हैं कि सुबह सुबह तुम लेट उठती हो, 5 बजे उठती हो सो करके, तो पढ़ोगे कब? तो फेल तो ना करोगी? पढ़ने लिखने में सिर्फ भोपट होते, 10 रुपया 5 रुपया ना लिया हो पंडित जी। ये हम लोग का शादी ब्याह में गाना होता है ना, वही चीज है। तो गाइस अभी जो हम रेडी हो चुके हैं पढ़ने जाने के लिए, और इतना ज्यादा लेट हो गया भैया, बोले ब्लॉग बना लो, अभी ब्लॉग बना रहे जा रहे पढ़ने के लिए। और उधर हमारी बकरी को देख सकते हो आप लोग, और साथ ही साथ हमारी मम्मी जी जो है वहाँ पे बैठ के कुछ खा रही है, ये देख सकते हो मम्मी जी क्या खा रही है, बादाम पट्टी खा रही है। बादाम पट्टी है बेटा, बेटी सब आकर के खा लो। मम्मी तिलवा संक्रांत के दिन से बादाम पट्टी रखे हुए है, आप सागर के खाइए। आपको सुहानी बहन पढ़ने के लिए अभी जा रहे हैं। हाँ, अभी जा रहे पढ़ने, बहुत जल्दी लेट हो रहा है। तो गाइस आपकी प्यारी बहन सुहानी पढ़ने चली गई, वीडियो का एडिटिंग कर दिए हैं, यहाँ रख देते हैं अभी थोड़ा, और हम भी थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं क्योंकि अभी रजाई के अंदर घुस गए थे, कपड़ा वपड़ा खोल खाल के, ऐसा सीन था। ये कपड़ा उतार दिए थे, टी शर्ट पहन लिए थे क्योंकि ये ज़्यादा वाइट है ना तो गंदा हो सकता है, ऐसा सीन है, क्योंकि रजाई में जो रुइया निकलता है छोटा छोटा, वो चीज़ इस चीज़ को लेकर। तो ये कम्प्लीट होता है, इसको अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद आज निकलना है बिहार भागलपुर के लिए। और क्यों निकलना है और किस लिए निकलना हो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। ऐसे पूरा बदन दर्द हो रहा है, क्या बात, आलसी नहीं बनना, आलसी नहीं बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी इधर धूप निकल चुका है, ऐसा सीन है, मम्मी जी खाना खा के आराम से बैठी हुई धूप में। चलिए अभी आते हैं थोड़ा नीचे से। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, नीचे में कोई भी भैया लहसुन वगैरह या फिर प्याज व्याज बेचने के लिए आते हैं, तो मम्मी यहाँ से तोल मोल भाव करती है, 3 किलो 100 रुपये का ना। वो 2 किलो दे रहा था, मम्मी मना ली कि 3 किलो देना है कि नहीं। मम्मी अच्छा सौदा कर लेती है मार्केट में, लहसुन बिना बनता है नहीं। चलिए चलिए आ गए हैं भैया, चलिए। मम्मी 1.5 किलो ली है, 50 रुपये का सोचो। मम्मी का दिमाग का आइडिया, मतलब सब्जी वगैरह लेती है तो दिमाग लगा देती है। चलिए शाम को हमारा ट्रेन है, कुछ बाहरी व्लॉग करने के लिए हम सोच रहे हैं, बट हम आपको एक चीज़ जानकारी बता दें कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको हम इनसे मिलना चाहते हैं, व्लॉग करना चाहते हैं उनके साथ में, बट उनका अगर आप थोड़ा सा रुतबा दिखोगे, गांव से ही सब बिलोंग करते हैं, तो अलग टाइप का ही होता है। हालांकि इसे 7 दिन पहले हमने बात करने की कोशिश करी, बट मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो हमने सोचा कि इनसे अच्छा तो मिस्टर इंडियन हैकर हैं और हमारे सौरभ जोशी हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, इनसे अच्छे तो बॉलीवुड के स्टार हैं जो 1 मिनट के लिए आते हैं सेल्फी खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा सीन मेरे साथ अभी भी होता है, मैं चाहता हूँ वीडियो में खुल के बोलूँ, लेकिन क्या फ़ायदा किसी के बारे में बोलने में, क्योंकि YouTube का रूल रेगुलेशन है, हर किसी के बारे में पहले जैसा समय नहीं रहा कि बोल सकूं। बट ये चीज़ अगर वो ब्लॉग देख रहे हैं तो भाई ऐसा मत करो भाई, सबसे मिलजुल करके रहो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, नो हेट नो प्रॉब्लम। तो गाइस अभी भागलपुर निकलने का सोच रहे थे, तो मम्मी जी बैग वगैरह बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया, यहाँ लहसुन ला के रख दिए ताकि सूख जाए ये अच्छे तरीके से। यहाँ पे कपड़ा हमारा सूख रहा है, 2 दिन हो गया इसको साफ किए भाई साहब, बताओ ऐसा सीन चल रहा है, क्योंकि धूप है ना इसी वजह से सूखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी ये थोड़ा दाढ़ी को शॉर्ट करवाने का हम सोचते हैं, मम्मी से पैसा वैसा मांगते हैं, तो जा रहे हैं अभी सैलून जाके दाढ़ी थोड़ा छोटा करवा लेंगे, क्योंकि बाइक का चाबी भी मिल गया वहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको हम रख लेंगे अभी। भाई जस्ट अभी गए हुए थे पत्थरगढ़ मार्केट, फोन हमारा डाउन था तो फोन को चार्ज में लगा करके गए हुए थे, दाढ़ी कटवा लिए, मस्त वाला रोमांटिक सॉन्ग भी बढ़िया सा रील्स बनाएंगे जाएंगे तो, क्योंकि एक एक्टर है जो 100 फिल्मों में काम कर चुके हैं, ऐसा सीन है, बस आप लोग इतना वेट करो, इसीलिए भागलपुर जा रहे हैं।
बाकी इधर मम्मी रागनी से बात करने के लिए चली गई नीचे। ठीक है जाओ 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 आराम करो। बकरी महाराज जी को चारा मिल चुका है, पूरा का पूरा चारा गंदा कर देते हैं, खाता नहीं है, सब गंदा हो जाता है। इधर पूरा लकड़ियाँ मम्मी जी पसार दी है छत के ऊपर ताकि सो जाए तो खाना वगैरह बनाने में सबसे बेस्ट रहे, क्योंकि ठंडे का मौसम धीरे धीरे जा रहा है। वहाँ हमारा बैग रखा हुआ है, उसी में सारा कुछ पैक करते हैं और ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं इस महीने से लेकर के, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है इधर उधर व्लॉग बनाना। क्योंकि एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि जब से मैं वायरल हुआ ना तो उस टाइम से मैं कहीं किसी से मिलने नहीं जा रहा हूँ, अच्छा व्लॉग नहीं दे पा रहा हूँ, एंटरटेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर सारे कुछ कम होते जा रहे हैं। और जो लोग हमसे सीख करके आगे बढ़ रहे हैं तो उसको मैं देख रहा हूँ कि भाई इनका तो कोई नाम ही निशान नहीं था, ये कहाँ से आ गए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे मतलब ऐसा लगता है ना कि मैंने जो चीज़ किया ना वो लोग देख करके सीख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है वो सब चीज़ है ना। तो वो भी आगे बढ़े और हमें भी आगे बढ़ाइए और क्या। बाकी अभी तैयार व्यार होते हैं, मस्त कपड़ा वगैरह सूखने के लिए रख दिए थे, तो ये पैंट सूख जाए, ये पैंट बहुत मोटा है गाइस सच बताएं, तो इसको देख लेते हैं सूखा है कि नहीं भाई साहब। सूख रहा है, सूख रहा है, थैंक यू। तो गाइस अभी के खाने में मम्मी जी दही निकाली है, यानी तिल संक्रांत जो मकर संक्रांति वाला वो बचा हुआ था उस दिन का जोरन बचा हुआ था, दही खत्म हो गया था, दही ताज़ा ताज़ा फिर से बनाई है मम्मी, रात का है ये। यहाँ पे चोखा है, रोटी है, आइए सभी लोग खा लीजिए खाना, मस्त अभी खाना खाते फिर तैयार होते हैं। और ब्लॉग को यहीं पे हो सकता है तो कम ही दूरी पे हम एंड करना चाहेंगे और वो ब्लॉग को दूसरे सिरे से हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस भागलपुर जाकर क्या करेंगे, क्या होने वाला, हालांकि एक बार गए थे आदर भैया से मिलने के लिए, उनके साथ हमने ब्लॉग भी किया था, तो बस आप लोगों ने देखा होगा प्यार दिया बहुत सारा। ये वाला शर्ट है जिसको साफ़ कर दिए, तो बड़े तरीके से सूख गया है। और क्या होने वाला थोड़ा सा वेट करना आप लोग, मतलब कुछ काम के लिए जा रहे हैं, ऐसा सीन है कि समझो कि कुछ भी हो सकता है, बिजनेस के सिलसिले में भी जा सकते हैं, वहाँ बिजनेस भी खोलना है। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा सा घर में एक्स्ट्रा इनकम होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका स्किल्स भी लेना है और साथ ही साथ अगर किसी के साथ कोलैब होगा तो वहाँ कर भी लिया। चल कपड़ा वगैरह रख लेते हैं और अपना पैंट को एक बार और चेक कर लेते हैं, तो हो ही गया, अगर सूख गया होगा ना तो आराम से अपना उसको बैग में पैक कर देंगे, कल पहनेंगे मस्त। और भैया देखे आपको, चलिए फुल एंड फाइनल सूख गया बिल्कुल, ये जेबें हैं हल्के हल्के भींग हुई, ये भी सूख जाएगा। ऐसे ही वेट करना पड़ता है, कपड़ा कब सूखेगा, कौन सा कपड़ा रखेंगे। पहले क्या होता था, कपड़ा मैटर नहीं करता था, जो भी होता था पहन के चले जाते थे, बट अभी ज़रूरी है, लोग देखते हैं, समय के साथ वो सब चीज़ें करना पड़ता है गाइस। अगर किसी से मिलो भी ना तो जज तो करते ही करते हैं, तो अगर ना गंदा ही ना सही, मतलब ख़राब ना हो, मतलब साफ़ होना चाहिए, खराब ही कपड़ा हो बट साफ़ होना चाहिए पहनों में, तो लोग ये सब चीज़ें मैं बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी चलो करना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे। बहुत सारी बातें हैं, वहाँ पे खरगोश, वहाँ पे तोता है, पूरा घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। और अभी का सीन कुछ ही देखो, मम्मी जी दी हैं हमको 500 रुपया, क्योंकि सच बताया घर में पैसा की कमी है अभी, और बिस्किट है ब्रिटानिया का, और यहाँ पर दालमोट है नमकीन का। थैंक यू मम्मी। मम्मी थोड़ा सा गुस्से में है क्योंकि पैसा बहुत खर्चा होता है। अच्छा कोई बात नहीं, होगा मम्मी, यूट्यूब पेमेंट आ जाएगा। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, ब्लॉग को भी इसको यहीं पे एंड कर देते हैं, सुहानी का वेट कर रहे हैं कि कब आएगी वो, उससे मिल लेंगे तो निकलेंगे अभी, ऐसा सीन है गाइस। और टिकट का क्या है ना कि लोकल कटवा लेंगे, 100-150 में टिकट कट जाएगा, 100-150 इधर से, 100-150 उधर से, खाना भी नहीं खाएंगे दिन भर तो चलेगा, क्योंकि कभी क्या होता है ना, कभी अमीरी कभी गरीबी, तो दोनों देख के चलना होता है, इंसानी तो है, कोई दिक्कत नहीं। गाइस ये हमारा पेटी है, इसके अंदर से कौन सा कपड़ा पहन के अभी हमें निकलना होगा ये हमें डिसाइड करना होगा। ये हमारा कोट पैंट, मैंने आपको बोला ना कि हमारा कोई शौक़ नहीं है, कोई सेंस भी नहीं कपड़ा वपड़ा पहनने का, जो चीज़ें जैसा रखा रहता है वैसे ही रखते ही जाते हैं, सिर्फ बस काम चल जाना चाहिए और कुछ नहीं, जीवन में इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। भाई साहब दिख जाओ, कोई तो पैंट वगैरह हो अच्छा सा पहन ले आपको। तो भाई ये वाला ड्रेस पहन लिया, व्हाइट वाला शर्ट है, थोड़ा सा गंदा है लेकिन काम चल जाएगा, और ये ब्लैक वाला पैंट। चल मम्मी जी चोखा बनाने की एकदम तैयारी में लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो क्या बना रही मम्मी, क्या बन रहा है? आलू वाला पूरी। हाँ। तो मेरे पास टाइम थोड़े है, ना मम्मी टाइम नहीं है, मेरे लिए बना रही हो आप, अरे गड़बड़ हो जाएगा मम्मी तब तो,
ताकि हमारे पास डेढ़ घंटा टाइम है, अगर उतना टाइम में बन जाएगा तो ठीक है। देखिए तो हमें लग रहा था मम्मी खुद खाने के लिए बना रही है, अब माँ तो माँ ही होती है। चलिए कोई बात नहीं, पूरी बन जाएगा तो वो भी रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखा जा रहा आईना में, ठीक ठाक लग रहे हैं, फिट भी लग रहे हैं पहले से ज़्यादा, थोड़ा दाढ़ी वाढ़ी कटवा लिए तो अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ सुहानी पड़ गया क्या मम्मी? अच्छा रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुहानी को हम बोल रहे हैं, सुहानी के लिए मम्मी डर रही है कि आएगी तो वो मांगेंगी मेरे लिए क्यों नहीं रहे। सुहानी समझ जाए कि हम कहीं अलग जा रहे हैं ना, वो खाने वाला चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। ये कितना अंधेरा लग रहा है, कौन है मेरे घर के दरवाजा खटखटाया? पढ़ाई हो गया? ठीक है चलो ऊपर चलो। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा देख सकते हो, आपकी प्यारी बहन सुहानी पढ़ के आई है, गोल गोल लोहिया करके पूरी बना रही, मम्मी जी इधर छानने में लगी हुई है, बोले कि पूरी लेकर के जाओ। बताइए पास में है, चले आएंगे, भले एक दिन का रास्ता है मानते हैं, एक दिन का नहीं भाई 4 से 5 घंटा का रास्ता है, क्योंकि ट्रेन पकड़ेंगे तो 4-5 घंटा तो लग ही जाएगा जाने में, बस यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि निकलना होगा पहले पाटलिपुत्रा शाहपुर कटोरी से, फिर पाटलिपुत्रा, फिर पटना, फिर पटना से रात में 9:37 में हमारा ट्रेन है भागलपुर के लिए। देखिए मुंह कैसे बना रहे हैं। ठीक है हम घर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है मम्मी हम घर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तुम लोग अपना ख्याल रखना है। मतलब हमको भगाने के लिए पूरी वूरी सब बना दी है तुम लोग मिल के, ये कैसे कैसे भाग जाएगा इसे। तो गाइस आज फिर से घर छोड़ करके जा रहे हैं सुहानी को, पापा जी तो काम पे गए हुए, अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, व्यू भी डाउन चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, घर बैठने से तो ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारी वाइफ भी जो है आ नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से, क्या प्रॉब्लम नेक्स्ट ब्लॉग में उसको भी क्लियर करेंगे। बाकी मम्मी जी पूरी बना दे, ठीक है मम्मी अपना ख्याल रखना, मतलब दिल टूट जाता है गाइस सच बता दें, ठीक है अपना ख्याल रखना आप लोग। आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से दिख रहा पूरा फुल सपोर्ट के आदेश से दिख रहे पूरा फुल सपोर्ट, बगल में स्टाइल जाके फॉलो कर लीजिए अपना कीमती निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।